बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। दोस्तों आज जो है वो हम पाक फौज में बहुत सारी बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हुई है उनके बारे में बात करेंगे। पाक फौज में जो है वो इस वक्त फैज़ अमीर साहब जो कि कोर कमांडर पेशावर थे उनको जो है वो इस वक्त बहावलपुर जो है डिवीजन उसका कोर कमांडर तैनात कर दिया गया है। और पेशावर डिवीजन जो है उनके नए कोर कमांडर जो है वो सरदार हसन अजहर साहब हैं जो कि पेशावर में उनकी जगह पर रिप्लेस कर दिए गए हैं। इसी तरह जो है वो पाक फौज के जो आर्मी हम अपनी मिलिट्री के सेक्रेटरी जो इशू करते हैं सेक्रेटरी जनरल उनकी जगह पर हैं ज़िया खालिद साहब, एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने इस ओहदे पर तरक्की अभी रिसेंटली पाई है। तो पाक फौज जो है उसमें भी तकर्रो तबादले जारी हैं, जैसे कि अभी वक्त आ रहा है आर्मी चीफ जो है उनकी तब्दीली के बारे में, तो दिन ब दिन हम देखते हैं कि पाक फौज में भी बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं वो रूनमा हो रही हैं। इसी तरह बड़े अहदे जो हैं उन पर तकर्रो तबादले अफसरान के जो हैं वो जारी हैं। इसी तरह हम इमरान खान साहब की बात करें तो वो रिसेंटली उन्होंने ये कहा अपने आखिरी जलसे में कि पाकिस्तान के जो भी अगले आर्मी चीफ हैं, जो कि नए आर्मी चीफ हैं, उनका अब जो है ये चंद माह में आई हुई गवर्नमेंट का नहीं है, जो कि आगे भी शायद चंद दिनों की मेहमान है अगर इलेक्शन हो जाए, अवाम की सपोर्ट इनके साथ नहीं है, तो आर्मी चीफ जो नए हैं उनकी तैनाती जो है उसका एक प्यार नई गवर्नमेंट को मिलना चाहिए जो कि 5 साल पूरे करने के लिए चुनी जाएगी इलेक्शन के बाद। तो इस पर अब आप दोस्तों की क्या राय है आप कमेंट में लाजमी बताइएगा।